हेलो फ्रेंड्स, और आप देख रहे हैं ऊषा स्टडी पॉइंट में राजनीति विज्ञान का। आज का हमारा टॉपिक है तुलनात्मक राजनीति के उपागम, जिसमें हम मोस्टली डेविड ईस्टन का व्यवस्था उपागम डिटेल में देखेंगे। इसे निवेश निर्गत उपागम या इनपुट आउटपुट थ्योरी भी कहते हैं। ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे TGT, PGT, GDC, GIC लेक्चरर, UGC नेट JRF असिस्टेंट प्रोफेसर और सिविल सर्विस का यदि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट PSIR है तो उसमें भी हेल्प करेगा। और मोस्टली ये जो सिलेबस है वो है MA फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड पेपर और यूनिट प्रथम। तो स्टार्ट करते हैं तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के उपागम। मुख्यतः तीन प्रकार के हैं, औपचारिक और कानूनी उपागम जो कि परंपरागत उपागम है, और व्यवस्था उपागम और संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का व्यवस्था उपागम। व्यवस्था उपागम को आगत निर्गत या निवेश निर्गत उपागम भी कहते हैं, या इनपुट आउटपुट अप्रोच भी कहते हैं। ये डेविड ईस्टन द्वारा प्रतिपादित है। देख लेते हैं राजनीतिक व्यवस्था की जो धारणा है राज्य की तुलना में व्यापक और गतिशील है। आज हम जिन संदर्भों में राजनीतिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग करते हैं उन संदर्भों में प्राचीन काल में राज्य शासन और राष्ट्र शब्दों का प्रयोग किया जाता रहा है। राजनीतिक व्यवस्था की धारणा राज्य और शासन की तुलना में न केवल व्यापक है वरन गतिशील भी है। इसके अंतर्गत निरंतर परिवर्तित होने वाले राजनीतिक और संबद्ध गैर राजनीतिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। डेविड ईस्टन द्वारा प्रतिपादित व्यवस्था सिद्धांत। तुलनात्मक राजनीति में व्यवस्था की अवधारणा का प्रयोग करने वाले विद्वानों में डेविड ईस्टन का नाम अग्रणी है। 1953 में प्रकाशित पुस्तक दी पॉलिटिक्स सिस्टम में उन्होंने व्यवस्था सिद्धांत का विचार प्रस्तुत किया, जो कि निम्नलिखित प्रकार से है। पहले हम डायग्राम के थ्रू देख लेंगे। यहाँ पे निवेश या इनपुट है, फिर ये जो परिवर्तन प्रक्रिया होती है राजनीतिक व्यवस्था में, यहाँ से ये निर्गत के रूप में बाहर आता है, अर्थात आधिकारिक निर्णय लिए जाते हैं, और पुनर्निवेशन का मतलब होता है फीडबैक, और ये सारी घटनाएं पर्यावरण में घटित होती हैं। निवेश के साथ मांग और समर्थन भी होता है। अब इनको हम डिटेल में समझ लेते हैं कि निवेश है क्या। निवेश प्रकार या इनपुट। निवेश से तात्पर्य मांग तथा समर्थन से है। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था के सामने पर्यावरण से कुछ मांगे रखी जाती हैं। इन मांगों के पीछे मांग रखने वालों का समर्थन भी होता है, जो राजनीतिक व्यवस्था में निर्णय लेने वालों का ध्यान उन मांगों की ओर आकर्षित करता है। अब हम देखते हैं कि मांग या डिमांड क्या है। मांग जो है मन की अभिव्यक्ति है। किसके? जनता की मन की अभिव्यक्ति है। मांगों का बहाव सदैव सत्ता की ओर होता है, अर्थात जनता अपनी मांगे सत्ता से या सरकार से करती है। मांगे कई प्रकार की हो सकती हैं, संकीर्ण भी हो सकती हैं, विशिष्ट हो सकती हैं या सामान्य हो सकती हैं। मांगों के दो रूप होते हैं, सुझाव तथा निर्देश। मांगे दो प्रकार की होती हैं, स्पष्ट तथा अस्पष्ट। मांगे वैयक्तिक स्वार्थ तथा जनहित दोनों से संबंधित हो सकती हैं। अब देख लेते हैं कि समर्थन क्या है। समर्थन के बिना मांगों का कोई औचित्य नहीं रह जाता। यह ऐसा बल है जो अधिकारियों का ध्यान मांगों की ओर आकर्षित करता है। समर्थन ऐसी कड़ी है जो राजनीतिक व्यवस्था को पर्यावरण से जोड़ती है। यदि अधिकारियों को व्यवस्था में समर्थन प्राप्त नहीं है तो मांगों का निवेश के रूप में विधायन संभव नहीं हो पाएगा, यानी जो मांगे हैं उस पर कोई विधि या कानून नहीं बन पाएगा। बिना समर्थन के शासन में स्थिरता नहीं आ पाती। अब हम देखेंगे कि निर्गत या आउटपुट क्या है। निर्गत व्यक्तियों द्वारा रखी गई मांगों पर राजनीतिक व्यवस्था का निर्णय है। निर्गत वे उत्पादित वस्तुएं तथा सेवाएं हैं जो निवेश के रूपांतरण के बाद प्राप्त होती हैं। निवेश को समर्थन द्वारा सूत्रबद्ध करके व्यवस्था के सामने निर्णय लेने के लिए रखा जाता है। राजनीतिक व्यवस्था विभिन्न प्रकार के निवेशों पर निर्णय लेती है और उन्हीं निर्णयों को हम आउटपुट या निर्गत कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि पुनर्निवेशन या फीडबैक क्या है। निर्गत का उद्देश्य जनता की आवश्यकताओं को पूरा करना होता है, और व्यवस्था के निर्गत से व्यक्तियों की आकांक्षाएं पूरी हुई या नहीं इस संबंध में जनता की जो भी प्रतिक्रिया इस संबंध में जनता की क्या प्रतिक्रिया है
इस संबंध में जो भी सूचनाएं अधिकारी गण के पास आती हैं उसे ही पुनर्निवेशन या फीडबैक कहते हैं। यहाँ पे पर्यावरण का भी कुछ रोल होता है, उसे देख लेते हैं। पर्यावरण अर्थात राजनीतिक व्यवस्था संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में अन्य उपव्यवस्थाओं जैसे कि आर्थिक उपव्यवस्था या धार्मिक उपव्यवस्था की तरह ही भूमिका अदा करती है। इसके पर्यावरण से आंशिक रूप से इसकी सहयोगनी उपव्यवस्था का बोध होता है, जिन्हें हम आंतरिक सामाजिक पर्यावरण की संज्ञा दे सकते हैं। आंतरिक सामाजिक पर्यावरण को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि राजनीतिक व्यवस्था वातावरण यानी कि इकोलॉजी जैविक तत्व तथा समाज की पद्धतियों द्वारा प्रभावित होती है। तो आशा करती हूँ कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, और ये जो टॉपिक है वो आपको टीजीटी पीजीटी साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर नेट जेआरएफ और आपके एकेडमिक के साथ साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी अगर ये टॉपिक है तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।